गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में EVS का चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन वुड्स के चैप्टर को आगे रीड करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया था। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम उसके आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 53 ओपन करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुछ ट्राइबल्स लोग। ट्राइबल्स कौन होते हैं? जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो भारत है वो दुनिया के उन 10 देशों में से एक है, 10 कंट्रीज में से एक है जिनमें जंगल बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें बहुत सारे जंगल हैं। 10 मोस्ट यानी टॉप 10 की जो लिस्ट होती है उसमें इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जंगल हैं। बिसाइड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट आर होम टू सेवरल ट्राइबल पीपल। यानी कि बिसाइड पौधों और जानवरों के अलावा जंगल, फॉरेस्ट यानी जो जंगल है वो काफ़ी कुछ थोड़े बहुत ट्राइबल्स यानी कि जो जंगलों में रहते हैं उन लोगों का भी घर है। दे आर ऑल्सो नोन एज आदिवासीज यानी ट्राइबल्स को हम आदिवासी भी कहते हैं। दे लिव इन और नियर द फॉरेस्ट, वो जंगल में या जंगल के कुछ पास में रहते हैं। एंड यूज़ द वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर सर्वाइवल, और जंगलों में मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे फल हो गए, पत्तियाँ हो गए, बर्तन या कोई भी और चीज़ हो गई, उनसे ही अपना जीवन बिताते हैं। इंडियन ट्राइबल पीपल प्ले अ मेजर रोल इन फॉर्मिंग द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। यानी कि जो हिंदुस्तान के जो ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी जो लोग हैं वो भी हमारी कल्चर को, पुरानी सभ्यता को बनाए रखने में अपना ही एक अलग महत्व निभाते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रू हैबिटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्हें हम हिंदुस्तान का एक असली, हम उन्हें असली हिंदुस्तानी ट्रू हैबिटेंट्स यानी हिंदुस्तान में असली तौर पे रहने वाले लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही हमारे पुराने कल्चर से, पुरानी संस्कृति, पुराने सभ्यता में ही आज भी जी रहे हैं। दे लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। वे जो ट्राइबल पीपल हैं वो इंडिया के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, डिफरेंट जगहों पे रहते हैं और अलग अलग तरह की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। दे कैन बी सीन इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड खासी एंड जयंता हिल्स। यानी कि वो लोग कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं, ट्राइबल्स पीपल यानी आदिवासी लोग हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मिल सकते हैं, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, खासी और जयंता हिल्स पे, यहाँ हमें आदिवासी मिल सकते हैं इनके जंगलों में। द आदिवासी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड फ्यूल। यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने खाने के लिए भी जंगलों पे ही निर्भर होते हैं और रहना भी उन्हें जंगल में ही होता है और फ्यूल भी उन्हें जंगल से ही मिलता है। दे कलेक्ट फ्रूट्स, बेरीज, नट्स, एडिबल रूट्स एंड हंट एनिमल्स फॉर फूड। वे जंगलों से फल लेते हैं, बेरीज लेते हैं, कुछ ग्राउंड नट्स यानी लेते हैं और जो खाने वाली जड़ें जैसे कैरेट जो होती हैं, एडिबल रूट्स जो होती हैं, और जानवरों को मार के भी उनका खाना खाते हैं, हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। दे मेक क्लोथ्स फ्रॉम हाइड्स ऑफ एनिमल्स, वो जो जानवरों की जो खाल है उनसे अपना कपड़े भी बनाते हैं। वुड इज़ यूज टू मेक बोट एंड एज ए फ्यूल, यानी कि जो लकड़ी होती है उससे वो नाव बनाते हैं और एज फ्यूल भी यूज़ करते हैं, यानी कि एज हम कोयल वगैरह, लकड़ी को जला के हम कोयला वगैरह बनाते हैं ना जिससे आग लगती है वो भी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द वुड्स।
जितना आज आपको कराया गया है उतना चैप्टर आपको रीड करना है, कल का और आज का पूरा। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।